सुंदर पिचाई ने अभी रिसेंटली अपने 12,000 एम्प्लॉइज को एक ईमेल भेजी जिसमें उसने लिखा था, थैंक यू फॉर वर्किंग सो हार्ड बट वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ मैसिव लेऑफ। और उन 12,000 एम्प्लॉइज में एक ऐसी एम्प्लॉई भी थी जो अपनी मेटर्निटी लीव पर थी, लेकिन उसकी लीव खत्म होने से पहले उसको अपना टर्मिनेशन लेटर मिल जाता है। तो ऐसा क्या रीजन है कि गूगल ने अपने 12,000 एम्प्लॉइज को निकाला है? तो इसका मेन रीजन समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा नवंबर 2022 में। तो गूगल की जो पेरेंट कंपनी अल्फाबेट, उसके एक बहुत बड़े इन्वेस्टर है TCI फंड, जिसने गूगल को बोला कि यू शुड टेक सम एग्रेसिव एक्शन, आपको अपनी कॉस्ट कटिंग करने की जरूरत है। और उसी के रिजल्ट में गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने 12,000 एम्प्लॉइज को निकालने का फैसला लिया। और गूगल में चल रही ये समस्या यहीं खत्म नहीं होती, जब मार्केट में लॉन्च हो जाता है ChatGPT, जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट चैट बॉट है जो कि गूगल के लिए एक कॉम्पिटिशन की तरह काम करेगा। और इसके रिस्पॉन्स में गूगल ने रेड कोड इशू कर दिया है और अपनी टीम्स को रिडायरेक्ट किया है कि वो जल्दी से जल्दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट प्रोडक्ट्स को लॉन्च करें इवन इन द गूगल।